भाई मारो नहीं मारो, मेरे को फोन दिया है मैंने, उसको दे दिया। वो सर सुन रही है क्या? वो सर सुन रही है। भाई रुक जा, भाई धर्म अशोक भाई अशोक भाई अजय प्लीज जरा प्लीज प्लीज जगह प्लीज तुम्ही बाहेरून शिकवण्यात आला? अरे लाईट ऐका, तुम्ही बाहेरून द्या मग काय, तुम्ही जर पिछे आता हूं अहो असं काय नव्हतं भाई भाई कैमरा को भी धक्का मार देता चंद्रानी भाई
चंद्रानी ने बोला उन्हें समझा दे प्लीज जरा थोड़ा जगह रखिए हां जगह आपको जगह आपको समझाने के लिए थोड़ा जगह दे दो क्या कर रहा भाई प्लीज आओ बाय राहुल फोटो कर लेते हैं फोटो कर ले कम कम सेना जी कहो चलो ओके थैंक यू नेक्स्ट नेक्स्ट Thank you very much, sir. I was in the control panel where we can ask in case there is any information in the oxygen or power. That means in 1 hour, the entire air in the operation theater is exhausted and fresh air is brought in with a combination of the exhausted air which is filtered. So that is also monitored over here. And if we have a remote telephone system in case the doctor wants to confer with some other doctor outside. What is this? अब आपके वहाँ पे मेरे जगह पे आप चलो पीछे आ जाओ सारे चलो चलो पीछे आ जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ अंदर आने दीजिए आना डॉक्टर्स के लिए हाँ सेंटर में शहनाज जी क्या बात है शहनाज जी शहनाज जी ओम शांति क्या बात कांग्रेचुलेशन टू ऑल चलिए आ जाइए दवा और दुआ का जब होता संगम तो असंभव हो जाता है तो डॉनर सभी ने बहुत नोबल कार्य किया है बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया है ओम शांति to have the guest of honor of this program with us today, Ms. Shehnaz Gill. Hello. A very popular actor, singer. आपने छोटी सी उम्र में अपनी विशेषताओं द्वारा अपना स्किल ओम शांति थैंक यू वर्षा जी
इतने प्यारे प्यारे बोल बोलने के लिए मेरा नाम तो आप सबको पता ही है ना। सो सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी के जितने भी भाई बहन हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो। आप लोगों के दुख में तो उनकी हेल्प कर ही रहे हो, उनको स्ट्रांग बना ही रहे हो, लेकिन उनके दर्द का भी आप अब लोगों के दर्द का भी इलाज कर रहे हो। सो बहुत बड़ी बात है ये। मैं चाहती हूँ, पहले मैं यहाँ अभी घूम के आई हूँ हॉस्पिटल में, तो बहुत अच्छी वाइब है। ऑफकोर्स बाबा का घर है ये, तो रूहानियत की खुशबू तो होती है ना बाबा के घर में। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी आए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए और अच्छे से अपना इलाज करा के जाए, बट इतने ज़्यादा कंफर्टेबल भी ना हो जाए कि यहीं रहना है। अपना इलाज करा के अपने घर चले जाए। तो ऐसा है हमारे पास, छोटे बच्चे आते हैं ना पेडियाट्रिक वार्ड में, तो आप लोग देखना फर्स्ट फ्लोर पर हमने जनरल वार्ड में बहुत सुंदर सफारी और सब बनाया है। तो जो बच्चा आता है ना वो कहता है मेरे को यहाँ से जाना नहीं है। क्लेव का ऑपरेशन करते थे ना पहले, तो बहुत बच्चे तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होते। अब देखिए आना सब, क्योंकि यहाँ पे योगिनी बहन होते हैं ना, वहाँ पे खुशी मिलती है। मुझे भी अगर मैं थोड़ा सा भी लो फील कर रही हूँ ना, तो मैं इनको देखती हूँ ना तो मुझे स्माइल आ जाती है, क्योंकि मुझे ये मेरे जैसे लगते हैं कभी कभी, मतलब प्योर सोल। सो मैं चाहती हूँ कोई भी यहाँ पे हॉस्पिटल में आए तो वो जल्दी से क्या स्पीडी रिकवरी करके अपने घर चला जाए। मैं वैसे तो ये भी चाहती हूँ कि हॉस्पिटल कोई आए ही ना, है ना, कोई बीमारी ना हो कभी लाइफ में, बट ऐसे कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये फिजिकल बॉडी है, इसमें पेन तो आता ही आता है। सो हमें सिचुएशन के साथ डील करना है, हमें अपना मेंटली स्ट्रांग रहना है, और कोई भी दुख दर्द आए हमें झेलना है उसको बहुत स्ट्रांगली, और हमेशा हंसते हुए रहना है, बस इतना ही। और हाँ, थैंक यू आपका, आप इतनी हेल्प कर रहे हो भरत भाई जी, तो बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही अच्छा अच्छा कार्य करते जाओ और साथ में मुझे भी इसका पार्ट बनाते जाओ, क्योंकि मैं भी जो करती दिल से करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये बाबा है। थैंक यू। इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम है और आप प्रेजेंटली रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे एयरपोर्ट के आप प्रेसिडेंट हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने शुभ विचार प्रस्तुत करें। उनके साथ हम मिसेस नैना ढाकी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। मॉर्निंग एवरीवन, I'm lost little and last time I'll talk about this. पहले तो मुझे हमारे कर्मकारी दीदी जी, योगिनी बहन, विदा बहन, पूरे कम कुमार जी लोग के सिस्टर्स भाई लोग, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे को एयरपोर्ट को एक मौका दिया एक जुड़ने का आपके साथ। हमारा एसोसिएशन विद, जब भी कोई भी अच्छा काम स्पिरिचुअल के साथ में होता है तो उसकी महक ही आता है, तो दैट्स अ सेल्फलेस सर्विस, दैट्स अ ब्यूटी। तो ये लोग की जो सर्विस है पूरी, आज राजेंद्र जी को तो दूसरा कमिटमेंट था तो फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया तो आधा घंटा, बेन कभी नहीं बोलते कम आप ये हमारे ये करो वो, तो हमने एक बात किया तो बेन ने बोला ये दो तीन आदमी अच्छा नहीं लगता, तो बेन तो वापिस है, बेन तो ऐसा वापिस है ना, ये अच्छा नहीं लगता। उस तरह से काफी काम चलता हुआ, पूरा लॉबी बनाया, पूरा अंदर का पैसेज बनाया, तो आज जो आपने देखा ये कुछ हो सका। ये हमारे
आए, उसने बोला मेरे पास भी मेरा पैसा पड़ा है, कुछ दिखाओ। हमने बोला यहाँ तो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द रोटरी ऑल्सो। आज सुबह में संडे को 9:30 को सबको बुलाना, मुझे जरा टेंशन। रियली आई एम थैंकफुल फॉर यू नो कमिंग ऑन द टाइम एंड ब्लेसिंग दिस ओकेजन। मैं बहुत खुशी हुई आपके साथ में हुआ। वो हीलिंग इतनी जल्दी हो जाती है, मुझे लगता है इस ऑपरेशन से। और मुझे मालूम है आपका और भी ये हॉस्पिटल में कुछ बड़ा बड़ा काम करने का प्लान है, हम लोग साथ में है, जहाँ जो आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारे धंधा साहब, डॉक्टर साहब, रियल हीरो तो हमारा ये ओरिजिनल प्रतिभा बेन ऑल्सो। और ये लोग की ब्यूटी है, कोविड टाइम में इतने तकलीफ आ रही थी, इतने बेन कभी कभी हमको बताते थे कि ने, हमारे नर्सिस ने यहाँ जो सेवा दिया है 24 आवर्स, ये लोग हमने यहाँ ही रखा था। मैंने लास्ट टाइम भी सुनाया था, हमारी ये चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी दादी प्रकाशमणि जी थे, तो हमको एक बार उन्होंने सिखाया कि कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई भी आप काम करते हो ना, तो रहने का और खाना आपको बराबर। 25 साल से एक बहन ने बोला, हमारी एक माता का हस्बैंड का ये इंडो ऑक्सी सचमुच वहां से भर के टांग पर इधर आ गया और टैंकर भी आ गया, और हमारा प्रॉब्लम अभी भी है नीचे 100 जंबो सिलेंडर। शुक्रिया श्री भरत भाई धाती जी। I would like to brief you about the hospital, how we started. So since 2002 we are functioning on 33% free beds. To end, we also started with our cleft palate and lip surgeries for the poor patients. We did almost more than 20,000 surgeries of cleft lip and palate. I would like to thank the Rotary Club and all the members who have contributed to this great cause. Coming straight into the modular OT concept, when the first we had a lot of senior surgeons who kept sort of refuting this, who kept saying that why do we need to spend so much of money on a modular OT? We've been operating for the